कहानी तीजी, बड़ा रा आउना। बहुत समय बाद इस धरती पर बहुत सारे लोग रहे थे जो कि बहुत बुरे और झगड़ालू हुई गए थे। ये सब लोग इतने पापी हुई गए थे कि परमेश्वर ने एक बड़ी बाड़ा कने सारी धरती खत्म करने का फैसला लिया। पर परमेश्वर नूह ते बहुत खुश था, से बुरे लोगों के बीच रहने वाला अच्छा आदमी था। परमेश्वर ने नूह जो बोलिया कि से एक बड़ी बाड़ लियाने लगीरा, इत्ते खतर तिने नूहा जो एक बड़ा समुद्री जहाज बनाने जो बोलिया। परमेश्वर ने नूहा जो 140 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी, 13.5 मीटर ऊंची जहाज बनाने जो बोलिया। नूहा जो तिने जो लकड़ियां कने बनाना था तिते तीन तल, बहुत सारे कमरे, एक छत और एक खिड़की बनानी थी। से जहाज नूहारा परिवार धरती अरे हर प्रकार अरे जानवर जो बाड़ा ते बचांगी। नूहा ने परमेश्वर की बात मानी ली। तिने और तीसरे बच्चों ने तेड़ा जहाज बनाया जेड़ा परमेश्वर ने बताया था। से किश्ती बहुत बड़ी थी, इत्ते खतर तिते जो बनाने जो बहुत साल लगे। नूहा ने बाड़ा रहने की खबर सभी जो दीती और तिना जो परमेश्वर की बात मानने जो बोलिया, पर तिने तीसरी बात नहीं मानी। परमेश्वर ने नूहा जो अपने परिवार और जानवरों का खाना इकट्ठा करने जो बोलिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तब परमेश्वर ने नूहा जो बोलिया, भई अब अपनी औरत और तिसारे तीन लड़के और तिनारी औरता जो आठ थे तिनारे चाजा च जाने रा समय था। परमेश्वर ने हर जानवर पंछी रे नर मादा जो नूहा गे चाजा च भेजा ताकि तूफाना ते बची सको। परमेश्वर ने सब प्रकारा रे सात नर और मादा जो किश्तिया च भेजा जिन्हा जो बलिया खत्तर बनाया। जब सब जहाजा च चली गए तब परमेश्वर ने किश्ती रे दरवाजे बंद करी दे। तब बरखा शुरू हुई गी। तब उन्दी री बिना रुके 40 दिन और राती सारी धरती अरी हर चीज और सारे पहाड़ भी पानिया च डूबी गए। धरती पर रहने वाली सारी चीजा मरी गया। तिनाओ छड़ी के जो किश्तिया पर थे से किश्ती पानिया पर तैरती रही और हर चीज किश्तिया रे अंदर डूबने ते बची रही। बरखा रुकी जाने ते बाद 5 महीने तक जहाज पानिया पर तैरता रहा और तब पानी कम होने लग्या। तब एक दिन जहाज एक पहाड़ री चोटिया पर रुकी, पर संसार अबू भी पानिया कने ढकी रहा था। 3 महीने बाद पहाड़ री चोटी नजर आने लगी थी। तब फिर 40 दिन बाद नूहा ने एक कौवे जो ए देखने खतर बाहर छड़िया कि पानी सुखिया या नहीं। से कौवा सुखी धरती टोलदा रहा पर तीसो सुखी धरती नहीं मिली। तब नूहा ने एक कबूतरी या जो बाहर भेजा पर तिसा जो भी सुखी धरती नहीं मिली। तब से वापस नूहा गे आएगी। एक हफ्ते बाद तिने फिर कबूतरी भेजी। तब से अपने चोंचा च एक जैतूना री एक डाली लेके वापस आई। अब पानी कम होने लग रहा था और पेड़ फिर उगने लग रहे थे। नूह ने एक हफ्ता और देखा। तब तीजी बार फिर तिसा कबूतरिया जो बाहर भेजा। इस बार तिसा जो रुकने री जगह मिलेगी और से वापस नहीं आई। पानी सूखने लग रहा था। 2 महीने बाद परमेश्वर ने नूहा जो बोलिया, अब तू तेरा परिवार और सारे जानवर जहाजा ते बाहर आई जाओ। बहुत सारे बच्चे पोते पर पोते पैदा करो और धरतिया जो भरी दो। तब नूह और तीसरा परिवार जहाजा ते बाहर आएगा। नूहा रे बाहर आने ते बाद तिने एक बेदी बनाई और बलिया खतर जो जानवर थे तिना जो लेके बलि चढ़ाई। परमेश्वर तिना बलिया ते खुश हुआ और नूहा रे परिवार जो आशीष दीती। परमेश्वर ने बोलिया कि आऊँ कसम खां कि आदमिया रे कितरे बुरे कर्मा खतर आऊँ कदी भी धरती जो श्राप नहीं देंगा और ना ही कदी धरती पर पानी बरसांगा, जबकि आदमी तो बचपना ते ही पापी है। तब परमेश्वर वाचा रे निशाना रे रूपा च पहला मेघ धनुष बनाया। जब कदी आकाशा च मेघ धनुष दिखा तब परमेश्वरा जो याद आवनी बई तिने क्या कसम खाई री और तियाई तीसरे लोग भी याद कर गए।